Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और मैं आपका एजुकेटर अभिजीत मिश्रा फिर से आपके साथ. और यहाँ पर हम आज क्या बात करने वाले, आज हम 2017 के करंट अफेयर्स की बात करेंगे. और गाइज, आपको यहाँ पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं. मतलब जो क्वेश्चंस हम लेकर आपके लिए आए हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकते हैं, तो गाइज ध्यान से देखिएगा, ठीक है? तो मुंबई में बारिश हो रही है सुबह से, और यहाँ पर भी क्वेश्चन की बारिश होगी आपके सामने, और आपको इस क्वेश्चन के बारिशों के आंसर देने हैं फटाफट. तो शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन के साथ. सबको हेलो, सबको हाय, जो लोग भी आ चुके हैं जुड़ चुके हैं. पहला क्वेश्चन बुक पर बेस्ड है, ध्यान से देखिएगा. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कन्फेशन ऑफ अ डाइंग माइंड, द ब्लाइंड फेथ ऑफ एथिज्म. मतलब पुस्तक कन्फेशन ऑफ द डाइंग माइंड द ब्लाइंड फेथ ऑफ एथिज्म के लेखक कौन है, आपको पता हो तो आंसर करें. यहां पर पांच ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर क्या होगा जल्दी से फटाक से देखिए यहां पर क्या इसका आंसर होने वाला है. सब लोग ध्यान से देख लीजिए कि आपको यह पता है कि नहीं पता है. 17 की बड़ी कंट्रोवर्शियल बुक है ये, और इसका सही आंसर क्या होगा. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मनीष कुमार, हेलो बेटा. और यहां पर आइए और फटाक से दीजिए आंसर, क्या इसका सही आंसर होगा देखते हैं. और यहां पर गुड्डू कुमार बोल रहे हैं दाऊद सिमलियत, यानी कि आपको पता नहीं है. हेलो हाय हो गया, जल्दी से आंसर करो फटाक से. गुड आफ्टरनून जितेंद्र, अनुपम, लाला कोटवाल, देख लिया बेटा, नहीं आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है इसका सही आंसर क्या. इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फोर. हाँ, सिद्धेश्वर ने आंसर दे दिया है, होलियन लाल गईते. तो होलियन लाल गईते ने इसको इसको ऑथर किया है, पहला क्वेश्चन हमारा. तो ऑप्शन नंबर फोर सही आंसर हमारा है, इसे लॉक कर दीजिएगा. हम आगे बढ़ेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन में फटाक से तुरंत. हमारा सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, चलिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन वुमेन क्लाइंबर स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस इन अ वीक. ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका. तो माउंट एवरेस्ट पर जितने लोगों ने चढ़ाई की है, हम सारे क्वेश्चन आपके लेकर यहां पर आए हैं. किस भारतीय महिला पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट पर एक हफ्ते में दो बार चढ़ाई की, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, चलिए. और क्या इसका सही आंसर होगा देखते हैं यहां पर, और अभी तक आंसर नहीं आया है, चलिए देखते हैं. ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है. हाँ सिद्धेश्वर, आप सही थे बिल्कुल, कोई बात नहीं है. अलीगढ़ में भी बारिश हो रही है, अवस्थी जी बता रहे हैं हम लोगों को, ठीक है. और यहाँ पर सौम्या चौधरी का आंसर सही आ गया है, सौम्या चौधरी का आंसर बिल्कुल सही आया है. और देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसका सही आंसर है अंशु जमशिप्पा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका. और इवन ये क्वेश्चन आरबीआई ग्रेड में भी आया, अभी आया, ठीक है. तो हम जितने भी पर्वतारोही थे इस मतलब लास्ट साल के, हम सबका क्वेश्चन लेकर आपके लिए आए हैं. चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर थ्री फटाक से, आपके एग्जाम में डिफेंस एक्सरसाइज पर क्वेश्चन एक बन रहा है, तो हमने कई सारे करा लिए हैं, नया आपके सामने है. द 2017 बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज सिम्बेक्स 17 हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री. अब देखो 17 में भी हुआ, 18 में भी हुआ, तो क्वेश्चन ये है कि सिम्बेक्स जो एक डिफेंस एक्सरसाइज है वो इंडिया किस कंट्री के साथ करता है. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर क्या होने वाला है देख लेते हैं यहां पर. राकेश राजपूत कैसे हैं आप, जल्दी से यहां पर आंसर दे जो मैंने आपसे पूछा अभी. सिम्बेक्स डिफेंस एक्सरसाइज जो होता है वो इंडिया और किस कंट्री के साथ होता है. और यहां पर आंसर आ गया, T2 का आंसर आ गया, बोल रहे हैं सिंगापुर. और देख लेते हैं, विनय सिंगापुर बोल रहे हैं, ललिता सिंगापुर बोल रही हैं, सही आंसर क्या है, सिंगापुर. तो याद कर लीजिएगा सिम्बेक्स इंडिया और सिंगापुर के बीच में होता है. बिल्कुल जिशु, आपने भी आंसर सही दिया है, साउथ कोरिया गलत है. श्रीलंका के साथ स्लाइनेक्स होता है, SLINEX, श्रीलंका के साथ स्लाइनेक्स, SLINEX. वियतनाम के साथ विम्बेक्स, यहां पर है सिम्बेक्स सिंगापुर, ठीक है. आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं फटाक से. क्वेश्चन नंबर फोर क्या होने वाला है देखिए, यहां पर पूछा है 2017 आर्चरी वर्ल्ड कप इज बीइंग हेल्ड इन. 2017 तीरंदाजी विश्व कप किस देश में हुआ, 18 टर्की में होने वाला है, सितंबर अक्टूबर में, 18 टर्की में होने वाला है, फिर सुन लो, 18 टर्की में होने वाला है, 17 कहां पर हुआ, क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं कौन इसका आंसर करता है जो मैंने आपसे पूछा है. सिद्धेश्वर आपका आंसर सही है, देखिए बेटा मैंने आपका आंसर, चलिए. अर्पित बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, श्रीकांत श्री बिल्कुल सही दे रहे हैं आप यहाँ पे. सत्यरंजन राय श्रीनिक्स बता रहे हैं इंडिया और श्रीलंका का, ठीक है. हाँ राकेश राजपूत सिंगापुर सही आंसर था, सिम्बेक्स, ठीक है, चलिए. और अब मैंने यहां पर एक क्वेश्चन पूछा है, 2017 तीरंदाजी विश्व कप कहां पर हुआ, 18 कहां पर होने वाला है, टर्की में, याद कर लीजिएगा, नहीं चाइना में हुआ, चाइना में. तो 17 तीरंदाजी विश्व कप कहां पर हुआ, चाइना में. 18 कहां पर होगा, अभी होने वाला है, टर्की में होने वाला है, ठीक है, याद कर लीजिएगा. हम आगे बढ़ रहे हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की फटाक से तुरंत. क्वेश्चन नंबर फाइव हमारा क्या होने वाला है देख लीजिएगा फिर से.
Who among the following is first civilian from the Indian Navy to summit Mount Everest? मतलब निम्नलिखित में से कौन से भारतीय नौसेना के पहले नागरिक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, मतलब कि भारतीय नौसेना का कौन सा सैनिक है, सिपाही है, जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है और ये पहला नौसेना का सिपाही है, आपको उसका नाम देना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, 2-3 क्वेश्चन लेकर हम आपके पास आए हैं। चलिए, और इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे कि नहीं, देखते हैं जरा। यहां पे अंधेरे में तीर बिल्कुल नहीं, एकदम सही आंसर देना। हाँ नीतू, आपको टेस्ट बुक की टी शर्ट चाहिए, आप सिलेक्शन ले लीजिए, टी शर्ट हम आपको देंगे यहाँ पर, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए और देखते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं भरत कुमार राउत, ब्रिजेंद्र सिंह, नहीं मालूम, कोई बात नहीं। इसका सही आंसर क्या है? हाँ, इसका सही आंसर है ब्रिजमोहन शर्मा, ऑप्शन नंबर 2। ब्रिजमोहन शर्मा इंडियन नेवी के पहले सिपाही जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आ रहे हैं, तो इसी क्रम में हम कुछ क्वेश्चन लेकर आपके लिए भी आ रहे हैं, क्वेश्चन आ जाए तो आप आंसर कर सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अनिर्बन, नमस्कार अनिर्बन, सिलेक्शन ले लो बेटा, आपको टी शर्ट हम देंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या होने वाला है, चलिए नेक्स्ट। विच कमेटी हैज बीन फॉर्म्ड फॉर डिसिल्टेशन ऑफ गंगा, मतलब गंगा के डिसिल्टेशन के लिए किस समिति गठन किया गया है? आप देख रहे हैं गंगा नदी डे बाय डे सूखती जा रही है, जो रेत है वो कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? डिसिल्टेशन। तो इसके लिए कौन सी कमेटी बनाई गई है, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। मोहम्मद आजाद आलम, कैसे हैं आप? और आपने भी आंसर दिया था बिल्कुल, और अब जिसको भी आंसर करना है फटाक से दें। कंचन पार्कर, जिसको भी टेस्ट बुक की टी शर्ट चाहिए सिलेक्शन लीजिए, आप लोग पहले सिलेक्शन लीजिए, उसके बाद हम टी शर्ट के आपको बुला लेंगे मुंबई में इंटरव्यू के लिए। ठीक है, चलिए। और अब इसका आंसर तो जो मैंने आपसे पूछा है, गंगा नदी में जो ये बढ़ता जा रहा है, इसका सही आंसर क्या होगा? नहीं, इसका सही आंसर है चितले समिति, ऑप्शन नंबर 1। चितले कमेटी को बनाया गया, एक बात याद रखें, ये 2017 के इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, चितले कमेटी को बनाया गया था गंगा नदी में जो भी बढ़ रहा था रेत, उसके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल सही, राकेश राजपूत, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं फटाक से। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या होने वाला है? नमस्कार सबको, नमस्कार। जो लोग आप जुड़ चुके हैं, हमारा वीडियोस अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कि हमारा वीडियोस वैल्यूएबल है तो इसे अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, चलिए। व्हेन इज नेशनल एंटी टेररिज्म डे सेलिब्रेटेड? एंटी टेररिज्म डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं, देखते हैं कौन इसका सही आंसर देता है। आशीष आकिया, मैं बिल्कुल अच्छा हूं, आप कैसे हैं, आप बताएं मुझे। चलिए, सोनू जैन, कोई बात नहीं, अगर आप गलत नहीं होंगे तो आप सही नहीं हो पाएंगे, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। चलिए और अब इस क्वेश्चन का आंसर दे। और हिमांशु कुमार का पहला आंसर आ गया है, दीपक पटेल भी सही बोल रहे हैं, बिल्कुल प्रवीण, बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। इसका सही आंसर है 21 मई। याद रखिएगा, डेज भी आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो 21 मई जो है ये नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर जी, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट 4 times? माउंट एवरेस्ट पर 4 बार चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? 4 बार चढ़ी हैं। मैंने बोला है कि आपके एग्जाम में माउंट एवरेस्ट पे क्वेश्चन आया, तो हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। सही आंसर क्या होगा? विश्वजीत, राजीव गांधी के डेथ पर ही ये मनाया जाता है। ठीक है, चलिए। नरसिंह कोलकाता, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है। अनिर्बन नस्कर, ये बिल्कुल ऐसे ही जारी रहेगा, बैंकिंग के लिए अलग, करंट अफेयर्स सबके लिए है, और रेलवे के लिए चाहे आपके आप ग्रुप डी का एग्जाम हो चाहे जो एग्जाम हो ये चलता रहेगा। ठीक है, चलिए। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अंशु जमसेप्पा, 2 बार चढ़ी और 2 बार ये पहले चढ़ चुकी थी, मतलब टोटल 4 बार। तो आंसर क्या होगा? अंशु जमसेप्पा, आपको ये पता है, तो ये 2 बार रिसेंटली चढ़ी और टोटल ये 4 बार चढ़ चुकी है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 फटाक से तुरंत। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इन इंडिया? भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? लास्ट ईयर काफी ये सुर्खियों में था, नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था और सीधे हम चाइना के बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं, और ये जो पुल है ये ऐसा बनाया गया है जो कि टैंक या मिलिट्री के सारे सामान को भी ढो सकता है। आंसर क्या होगा ये आपको देना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, इसकी टोटल जो लेंथ है वो है 9.15 किलोमीटर, 9.15 किलोमीटर। देखते हैं सही आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। ब्रह्मपुत्र रिवर पर यह बना। ठीक है, चलिए। और विनय का आंसर पहला आ गया है, सही आंसर है, बिल्कुल सही, फैंटास्टिक। इसका सही आंसर है ढोला सादिया ब्रिज, जो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाया गया है, और इसका उद्घाटन
नरेंद्र मोदी जी ने अपने हाथों से किया था, ठीक है, चलिए। और टोटल लेंथ कितनी है, 9.15 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। प्रोमिसोर, आपने बिल्कुल सही बोला था, बिल्कुल सही। चलिए, एक स्टैटिक का क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहां पर है ये आपको बताना है। वर्ल्ड बैंक कहां पे है अगर मैं पूछूं तो कहां पर है, ये वाशिंगटन डीसी में है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कहां पे है, वाशिंगटन डीसी में है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहां पे है ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं कौन इसका पहला आंसर देता है। लोहित रिवर जो है ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, तो हम ब्रह्मपुत्र भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, प्रांजल मिश्रा कैसा आपका पेपर हुआ बताइए जरा मुझे, पेपर कैसा हुआ। और आंसर आ रहे हैं बच्चों के, आंसर आ रहे हैं, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, हेग में है। वर्ल्ड बैंक वॉशिंगटन, IMF वॉशिंगटन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहां पे है, हेग में है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। WTO कहां पे है, जिनेवा में है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कहां पे है, लंदन में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। फिर से एक बार डिफेंस एक्सरसाइज पर एक क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, ऑसिंडेक्स इज अ ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड विच कंट्री। एक डिफेंस एक्सरसाइज है ऑसिंडेक्स, वो ऑस्ट्रेलिया और किस देश के बीच में होता है ये आपको बताना है। हम सारे डिफेंस एक्सरसाइज दे रहे हैं आपको, देखिए यहां पर, और सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। हाँ, T2 नीदरलैंड में ही हेग है बेटा, ठीक है, बिल्कुल सही, हेग हो गया हमारा। अब इस क्वेश्चन का आंसर दें, और यहां पर आंसर आ गया, विनय का आंसर आ रहा, बोल रहे हैं इंडिया। ओके, तो बिल्कुल ये इंडिया सही आंसर है। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या होता है, ऑसिंडेक्स होता है। इंडिया वियतनाम विम्बेक्स, इंडिया सिंगापुर सिम्बेक्स, इंडिया श्रीलंका स्लाइनेक्स, ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये है मेट्रो पर क्वेश्चन। यहां पर ट्रांसजेंडर्स का मतलब होता है जो अपना जेंडर चेंज करा लेते हैं, मेल से फीमेल या फीमेल से मेल, ठीक है। चलिए, विच मेट्रो हैज बिकम द फर्स्ट वन टू अपॉइंट ट्रांसजेंडर्स, पहला मेट्रो कौन सा था जिसने ट्रांसजेंडर को नियुक्ति दी है, मतलब जॉब दी है। यहां पर 5 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर क्या होने वाला है देखते हैं यहां पर। चलिए, पिच ब्लैक भी है, पिच ब्लैक भी ऑस्ट्रेलिया के साथ है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। एक काम मैं करूंगा, कभी ये खत्म हो जाए तो डिफेंस एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपको दूंगा। देखो डिफेंस में क्या होता है, आर्मी अलग होती है बेटा, नेवी अलग होती है, एयरफोर्स अलग होता है ना, तो सबका अपना अलग अलग एक्सरसाइज होता है। चलिए, और यहां पर लोग बोल रहे हैं गुड़गांव नहीं कोच्चि। हाँ, पवित्रा का आंसर आया है, बिल्कुल सही, इसका आंसर है कोच्चि। तो कोच्चि मेट्रो जो है ये ट्रांसजेंडर को पहला मेट्रो हो गया है जिसने ट्रांसजेंडर्स को नौकरी दी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या होने वाला है, फटाक से, द बुक वुमेन हु वर्क हैज बीन ऑथर्ड बाई, पुस्तक वुमन हु वर्क के लेखक कौन है। IBPS क्लर्क की आप कट ऑफ पूछ रहे हैं, जब तक बेटा पेपर नहीं होता IBPS का हम बोल नहीं सकते हैं, एक बार पेपर हो जाए तो हम बोल सकते हैं। हाँ, RRB क्लर्क आप बोलेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं, बट IBPS का एग्जाम होने दीजिए एक बार पहले, ठीक है। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, सही आंसर क्या होगा ये आपको देना है यहां पर। हाँ, डिफेंस एक्सरसाइज पर वीडियो बना देंगे, ठीक है, परेशान मत होइए। राकेश राजपूत टी शर्ट मिल जाएगी, पहले सिलेक्शन लो फटाक से। और आगे आंसर, नितेश मिश्रा है जिनका आंसर सही आया है, इसका सही आंसर है इवांका ट्रंप, और आपको ये पता होगा ये कौन है। तो इवांका ट्रंप जो है इन्होंने ये बुक लिखी है, वुमेन हु वर्क, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन 14 क्या होगा हमारा, देखिए, केसर इज अ वेराइटी ऑफ विच फ्रूट फॉर विच इंडिया इज फेमस। केसर भारत में किस फल की प्रसिद्ध किस्म है, ये फल ऑस्ट्रेलिया को काफी एक्सपोर्ट किया जा रहा है, इसीलिए ये क्वेश्चन यहां पर आया है, ठीक है। देखते हैं कौन इसका आंसर करता है। देखते हैं क्या इसका आंसर होगा जो मैंने आपसे पूछा है, केसर भारत में किस फल की प्रसिद्ध किस्म है। अभिषेक कुमार गुप्ता, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर RRB क्लर्क। लग रहा है आपने हमारा एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा होगा, तो देखो यार, एनालिसिस की बात करें तो इंग्लिश इसमें आनी नहीं है, तो कट ऑफ आप क्लर्क का मान के चले, क्लर्क का आप कम से कम 60 मान के चले, 60+, 60।
हाँ बिल्कुल, मैं नाम ले रहा हूँ आप लोग का। और यहाँ पर मैंगो, यहाँ पर मैंगो आ रहा है एग्जैक्टली में 17 में। ये काफी बड़ा मुद्दा था जब इंडियन गवर्नमेंट ने मैंगो को एक्सपोर्ट करना शुरू किया था ऑस्ट्रेलिया को, तो काफी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस पर विरोध किया था कि नहीं ये हमारे देश में ही रहना चाहिए, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं जो कि एक गवर्नमेंट स्कीम पर क्वेश्चन है और 17 में लॉन्च हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। बात हो रही है संपदा की, संपदा स्कीम किससे संबंधित है ये क्वेश्चन पूछा गया है। कई सारे आपके सामने सेक्शन है, आपको सही आंसर चूज करना है। संपदा, संपदा जो है वो किस किस स्कीम से जुड़ा हुआ है, संपदा स्कीम किससे जुड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, हाँ राहुल सिंह मैं नाम ले रहा हूं, अभी संपदा स्कीम पर क्वेश्चन है, किस सेक्टर से ये है, देखते हैं कौन इसका सही आंसर देगा। अभी तक आंसर नहीं आए हैं, सही आंसर क्या आने वाले हैं देखते हैं, देखते हैं। नहीं, संपदा जो स्कीम है बेटा ये है आपकी फूड प्रोसेसिंग से, मतलब कि ऑप्शन नंबर 5। इसका फुल फॉर्म मैं बोल दे रहा हूं, जो लोग नोट करना चाहे वो नोट कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। फिर सुन लीजिए, स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, ये फूड प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर जी, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, चलिए फटाक से। राहुल सिंह मैंने नाम ले लिया बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द रेंज ऑफ अग्नि सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि 2 मिसाइल की स्ट्राइक रेंज क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अग्नि 2 मिसाइल की रेंज क्या है, अग्नि 1 की मिसाइल रेंज लिमिट है 600 से 700 किलोमीटर, अग्नि 2 कितनी है, अग्नि 3 कितनी है, अग्नि 4 कितनी है, अग्नि 5 कितनी है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए और अब इस क्वेश्चन का आंसर दें, अग्नि 2 मिसाइल की रेंज कितनी है, राहुल सिंह बताएं, आंसर बताएं फटाक से। और यहां पर विश्वजीत बोले 5000, नहीं 2000 है, 2000 से लेकर 3000 बोला गया है, लेकिन आपको 2000 याद करना है। अग्नि 3 3000 से 4000, अग्नि 5 5 से 10000 बोला जा रहा है। ठीक है, तो अग्नि 2 2000 याद करिएगा, 2000 लिमिट है इनकी। ठीक है, चलिए 2000, 5000 अग्नि 5 की है, ठीक है 5000 प्लस। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, 17 का ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। एक एक्ट आया था रेरा, RERA, रेरा एक्ट डील्स विथ, रेरा एक्ट किससे जुड़ा हुआ मुद्दा है ये आपको बताना है। चलिए, रेरा एक्ट किससे जुड़ा हुआ मुद्दा है ये आपसे पूछा गया है। 2000 किलोमीटर अग्नि 2 की रेंज है, याद कर लीजिएगा। चलिए, हाँ अर्पित श्रीवास्तव आपने बताया, मैंने आपका कमेंट भी देख लिया बेटा। ठीक है, चलिए और अब मैंने पूछा रेरा एक्ट के बारे में किससे जुड़ा हुआ मुद्दा है, फटाक से बताएं फटाक से। और प्रीता सिंह का आंसर आ गया है, बिल्कुल सही आंसर आया है। ठीक है, और समीर चतुर्वेदी बिल्कुल सही बैठा, नितेश बिल्कुल सही, प्रवीण पीजे बिल्कुल सही, इसका सही आंसर है रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, रियल एस्टेट में जो धांधली हो रही थी उसको रोकने के लिए रेरा एक्ट को लॉन्च किया गया 17 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो रेरा एक्ट रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ मुद्दा हमारा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या होने वाला है, इंडियास फर्स्ट विलेज ऑफ बुक्स इज लोकेटेड इन, भारत का पहला पुस्तक गांव कहां में स्थित है यह आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, यह सेशन उनके लिए भी जरूरी है जो अभी RRB ग्रेड बी की भी तैयारी करेंगे, तो सेशन को इंपॉर्टेंसली लीजिए कि हां ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलिए, भारत का पहला पुस्तक गांव किस राज्य में है, शहर का नाम है सतारा, सतारा जिले में ये खुला है, स्टेट आपको बताना है। नितेश मिश्रा ऑफ ऑलवेज बिट ऑलवेज, राजेंद्र और लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स हम पहले भी कर चुके हैं, अभी हम 17 पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए और यहां पे पंजाब हरियाणा लोग बोल रहे हैं, इसका सही आंसर क्या है, सेंसर है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में एक जिला है सतारा, वहां पर पहला बुक विलेज खोला गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, ये आपके एग्जाम में आ चुका है, देखते हैं कौन इसका गलत आंसर करता है, वो मार खाएगा आज। ठीक है, हु विल रिप्लेस मुकुल रोहतगी एज द नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मतलब कौन भारत के अगले अटॉर्नी जनरल के तौर पर मुकुल रोहतगी का स्थान लेंगे, ये आपको बताना है। चलिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, ध्यान दीजिएगा और सही आंसर क्या होगा ये देखते हैं। यहां पे कमेंट आ रहे हैं, पहला आंसर कौन देता है, मोहम्मद इरफान, लव यू टू ब्रदर, बकरी दा रही है, एड्रेस दे रहे हैं, हाँ वो सेवैया भिजवा देना भाई। चलो, हाँ हाँ इंद्रजीत कुमार आप सही बोले थे, और यहां पर सौम्या का पहला आंसर आया है, पहला आंसर आया है, आ रहा है आंसर लोगों का, आ रहा है
सही आंसर क्या है? के वेणुगोपाल। इन्होंने किसको हटाया? इन्होंने मुकुल रोहतगी को हटाया है। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है आपके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो के वेणुगोपाल बिल्कुल सही है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। फेमस पर्सनालिटी पर क्वेश्चन बन रहे हैं, उसी क्रम में एक क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए चलिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, NIFT, नाम सुनोगे आप लोग। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 20 की बात यहां पर हम कर रहे हैं। सही आंसर आपको देना है, हाँ, ममता केशरी, आपने सही आंसर दिया है। और हाँ मोहम्मद असफ, बिल्कुल हाँ, यही सवैया खानी है। मेरा एक दोस्त है शहनशाह खान नाम है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं जा नहीं पा रहा हूँ घर पर, तो मैं हमेशा ईद बकरीद उसके यहाँ रहता ही था हमेशा, तो बड़े सवैया हम लोग खाए हैं हम लोगों ने, तो यार बड़ा मिस कर रहे हैं। और आंसर आ गया, आंसर आ गया है यहाँ पर, गौरव नेगी बोल रहे हैं, राजेश विशा, राजेश विशा, हाँ राजेश विशा बिल्कुल सही आंसर है। तो लास्ट में मोहम्मद असफ और हमारे भाई लोग, हम आपको एड्रेस देंगे अपना, सिवैया भिजवा देना, ठीक है। राजेश विशा बिल्कुल सही आंसर है, तो पहला ऑप्शन राजेश विशा लॉक करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। चलिए हाँ हाँ मोहम्मद असफ, मुझे खाना भी है। चलिए, नेम द रैमसनवेयर विच डिस्ट्रप्टेड बिजनेस वर्ल्ड वाइड ऑन June 27, 2017 को दुनिया भर में व्यवसायों को बाधित करने वाले रैमसमवेयर का नाम बताएं। ये आप लोग सुने होंगे ना, रैमसन का मतलब होता है फिरौती, मतलब एक कंप्यूटर प्रोग्राम, एक वायरस जिसका अटैक गया और आपका लैपटॉप डेस्कटॉप लॉक हो गया और आपको पैसे देने पड़े तब जाके लॉक खुला, तो आपको उसका आंसर देना है। सिद्धेश्वर, एक स्कीम की वीडियो पड़ी हुई है हमारी, करंट स्कीम की वीडियो पड़ी है, आप वो भी दे सकते हैं हमारी, ठीक है। राघवेंद्र राघव, अच्छा हाँ, अरे नाराज मत हो भाई यार, चलो। और यहाँ पर कनक का आंसर आ गया, बोल रहे हैं पेटिया, ओके। अक्षत पेटिया बोल रहे हैं, पेटिया सही आंसर है। तो इस रैमसनवेयर का नाम था पेटिया, जिसने 17 में काफी धमाल मचाया था, पेटिया। आगे लॉक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर 22, चलिए। द इमरजेंसी इंडियन डेमोक्रेसी डार्केस्ट आवर हैज बीन रिटन बाय, एक बुक का नाम यहां पे पूछा जा रहा है, द इमरजेंसी इंडियन डेमोक्रेसी डार्केस्ट आवर, ये बुक किसने लिखी है, आपको इसका आंसर देना है। पांच ऑप्शन आपके सामने हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात हम यहां पे कर रहे हैं, क्या इसका सही आंसर होगा देखते हैं। चलिए हाँ प्रोमित सुर, पेटिया होगा बेटा, सही है बिल्कुल सही है। चलिए अब बुक पर एक क्वेश्चन फिर से देखते हैं, कौन इसका पहला आंसर देता है। धर्मेश सिंह, नमस्कार भाई, नमस्कार। और यहां पर सही आंसर क्या होगा, अजय सुधाकर ने आंसर दे दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। गौरव गलत है बेटा, सौम्या सही है बेटा, बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर क्या है, ए सूर्य प्रकाश। तो इन्होंने ये बुक लिखी है, 17 के हम सारे बुक की बात भी यहां पे कर रहे हैं आपके सामने, ठीक है। तो ए सूर्य प्रकाश सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बात यहां पे करने जा रहे हैं फटाक से तुरंत। राहुल राजपूत कैसे हैं आप, चलिए। When is World Refugee Day observed? विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है हर साल, ये आपको बताना है। यहां पर पांच ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर क्या होने वाला है देखते हैं कौन इसका पहला आंसर करता है। हेलो हेलो दर्शन कुराज एक ऑप्शन बोल रहे हैं, अच्छा और देख लेते हैं यहां पर। राम राम, राम राम भाई, राम राम। राकेश परिंदा कैसे हैं आप, चलिए बताएं। दीप गुप्ता आफ्टरनून, कनकन कनकन, ओके ओके कनकन भाई, थोड़ा तेज आया देख नहीं पाया। और इसका सही आंसर क्या होगा, हाँ गलत आंसर आ रहे हैं, इसका सही आंसर है 20 जून चांदनी घोष, बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड। 20 जून अशोक, 20 जून सही आंसर है। तो विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए एक बुक और। युग पुरुष भारत रत्न अटल जी हैज बीन रिटन बाय, युग पुरुष भारत रत्न अटल जी किसके द्वारा लिखी गई एक बुक है, और आपके सामने पांच ऑप्शन है, सही आंसर क्या होना चाहिए फटाक से बताएं। सिद्धेश्वर बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट डे का एक वीडियो प्लीज, चलिए ठीक है सिद्धेश्वर। और कनकन हाँ आगे बताएं इसका आंसर क्या होगा, विवेक राज 20 हो गया बेटा, युग पुरुष भारत रत्न वाली क्वेश्चन का आंसर दें यहां पर। सुजीत कुमार मैं बोल रहा हूं बेटा, मैं बोल रहा हूं, और सही आंसर आप लोग को देना है, सही आंसर क्या होगा यहां पर, सही आंसर। और अजय सुधाकर का पहला आंसर आया है, बिल्कुल सही आंसर आया है, सही आंसर आया है। और देख लेते हैं यहां पर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका सही आंसर है रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल जो हैं ये चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं पहले, तो इन्होंने अटल जी पर ये बुक लिखी हुई है। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 फिर से एक बार देखिए,
हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर? इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। और ये 17 का एक इंपॉर्टेंट बुक था और 25 का क्वेश्चन हमारा है, देखते हैं कौन इसका सही आंसर देता है। हाँ, रमेश पोखरियाल बिल्कुल सही है, मनीष बिल्कुल सही बेटा, हिमांशु कुमार बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, अपर्णा बिल्कुल सही, फैंटास्टिक, राघवेंद्र राघव बिल्कुल सही। और अब इस क्वेश्चन के आंसर दे तरुण राणा, हाँ ये पूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं उत्तराखंड के, ठीक है। और अब इस क्वेश्चन के आंसर जो मैंने आपसे पूछा, क्वेश्चन नंबर 25 बिल्कुल सही, तुषार बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने, अजय बिल्कुल सही। सही आंसर क्या है? सही आंसर है जयराम रमेश। जयराम रमेश के बारे में आप जानते भी होंगे, ये एनवायरमेंट मिनिस्टर भी थे कांग्रेस में। तो जयराम रमेश ने ये बुक लिखी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, 26वां क्वेश्चन। आप सब जानते हैं कि जो ओलंपिक अगला होगा वो कहां होगा, टोक्यो में होगा, जापान में होगा, ठीक है। हाउ मेनी न्यू इवेंट हैव बीन एडेड फॉर 2020 टोक्यो ओलंपिक? 2020 टोक्यो ओलंपिक में कितने नए गेम्स ऐड किए गए हैं, ये क्वेश्चन है। इवेंट का मतलब गेम्स से है, ठीक है। कितने नए गेम्स ऐड हो गए हैं आपको इसका आंसर देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, आपको सही आंसर देना है यहां पर। हाँ, सुजीत कुमार आपने भी आंसर दिया, मनप्रीत कौर बिल्कुल सही आंसर, अंबुज गुप्ता बिल्कुल सही आंसर। अब इस क्वेश्चन का आंसर दें, देखते हैं कौन इसका पहला सही आंसर देता है। और यहां पर आंसर गलत आ रहे हैं अभी तक आंसर गलत आ रहे हैं। दीपक दास का आंसर सही आया है, 15 नए इवेंट। हाँ अमन बिल्कुल सही, 15 नए इवेंट ऐड हुए हैं, 15 नए स्पोर्ट्स ऐड हुए हैं ओलंपिक 2020 में। ओलंपिक 16 से क्वेश्चन काफी आया रियो से, तो 20 से भी बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर एक बुक की बात करते हैं, 27 बुक की बात करते हैं। चलिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस? द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस काफी कंट्रोवर्शियल बुक रही है, इसकी लेखक कौन है ये आपको बताना है। और यहां पर 5 ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर क्या होगा। 27 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, काफी फेमस बुक है और इसका आंसर मेरे ख्याल से मुझे मिल जाएगा सबसे। हाँ देव आपका भी सही है, 15 नए इवेंट आए हैं, बिल्कुल सही आप लोग बोल रहे हैं। और अब कार्तिक चौधरी, सुबह 8 बजे शेफाली राठौर मैम की क्लास होगी और सुबह 8 बजे वहां पर स्पीड क्विज आप कर सकते हैं। मैम गई थी छुट्टी पर, आ गई हैं, ठीक है। चलिए, और यहां पर सुमिता का आंसर आ गया है, बोल रहे हैं अरुंधति रॉय। ओके अरुंधति रॉय बिल्कुल सही आंसर है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस की, ठीक है। तो अरुंधति रॉय लॉक कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, ब्रांड एम्बेसडर पे क्वेश्चन खूब बने हैं, एक क्वेश्चन इसी में। चलिए, नेम द एक्ट्रेस हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी चुका है। भारत के वन्य जीव ट्रस्ट की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त गई अभिनेत्री का नाम क्या है? 5 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर आपको देना है, सही आंसर क्या हो सकता है देखते हैं यहां पर आंसर सही। कुमार विवेक मौर्य, मेरा बेटा, मेरा क्या है कि मैं थोड़ा क्विज कराता हूं केवल, क्योंकि थोड़ा टाइम कम है हमारे पास। राघवेंद्र राघव बेटा, ये हमारे हाथ में नहीं है शेड्यूल बेटा, ठीक है। और आंसर आ गया शिवानी का आंसर आ गया, अर्पित, अक्षय, विवेक बिल्कुल सही बेटा, इसका सही आंसर है दिया मिर्जा। तो दिया मिर्जा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, बिल्कुल सही है आप लोग यहां पर। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, 29। चलिए, विच मेट्रो हैज टाइड अप विद गूगल मैप? किस मेट्रो ने गूगल मैप के साथ एक करार किया है ताकि मैप पर इनकी लोकेशन मिल जाए आपको? तो 5 ऑप्शन आपके सामने है, मेट्रो पे क्वेश्चन आ रहा है तो एक क्वेश्चन आपको इसी क्रम में, ठीक है। चलिए, किस मेट्रो ने गूगल मैप के साथ एग्रीमेंट किया है? 5 ऑप्शन आपके सामने है, 29 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, सही आंसर क्या होने वाला है देखते हैं। पहला आंसर कौन देता है सही आंसर? मुंबई, विश्वजीत का आंसर है, बोले मुंबई, ओके। दिल्ली, बेंगलुरु, ओके, इसका सही आंसर है मुंबई। तो मुंबई मेट्रो पहला मेट्रो बना जिसने गूगल मैप के साथ एग्रीमेंट किया, मतलब उनके मेट्रो स्टेशन आप गूगल मैप पे देख सकते हैं, तो मुंबई का बिल्कुल सही आंसर है। हम आगे बढ़ते हैं अपने 30th क्वेश्चन पे, 30वें क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप की बात यहां पर हो रही है। देखिए, विच मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विल स्पॉन्सर द 2018 and 2022 फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट? मतलब कौन सी मोबाइल विनिर्माण कंपनी 18 और 22 फीफा वर्ल्ड कप की स्पॉन्सर्ड होगी, जैसे पैसा देगी, ठीक है, स्पॉन्सर की बात हो रही है। देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30th की बात यहां पे कर रहे हैं। हाँ देव आपने बताया, मैंने देख लिया बेटा, देख लिया।
पीयूष सिंह कैसे हैं आप? लग रहा बहुत नाराज हैं आप, लग रहा है। चलिए सही आंसर क्या होगा ये आप बताएं मुझे फटाफट से। ब्लैकबेरी नहीं, इसका सही आंसर है वीवो, इसका सही आंसर है वीवो। वीवो तो वीवो लॉक कर दिए, वीवो बिल्कुल सही आंसर है। वीवो हमारे आईपीएल का भी स्पॉन्सर है और फीफा 18 और फीफा 22 का भी स्पॉन्सर है, मतलब कितना पैसा ये खर्च कर रहा है अपने एडवर्टीजमेंट पे, ठीक है। वीवो वीवो सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि आपके पेपर में ये जो एयरलाइंस कंपनीज हैं इनके एमडी सीएमडी पर क्वेश्चन खूब बन रहे हैं, तो उसी क्रम में एक क्वेश्चन आपके सामने। चलिए, Who has been appointed as the chief executive officer of Jet Airways? किसे Jet Airways के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके सामने पांच ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अभिषेक शर्मा आपने भी बताया, बिल्कुल बिल्कुल बताया आपने। तो यहां पर Jet Airways की बात हम कर रहे हैं, सही आंसर आपको देना है। देखते हैं कौन इसका सही आंसर देता है। चलिए, छोटा मलिक बिल्कुल आप दे रहे हैं आंसर, ठीक है। मुकेश प्रजापति कैसे हैं आप? जोहन दास कैसे हैं आप बताएं, और आंसर बताएं जो मैंने यहां पर पूछा आपसे। और यहां पर नितेश का आंसर आया, बोल रहे दुबे, विनय दुबे, विनय दुबे बिल्कुल सही आंसर है। विनय दुबे पहला ऑप्शन लॉक कर ले, विनय दुबे सही आंसर है। हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 32 क्वेश्चन पे। चलिए फटाक से, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और ये आज भी है, 17 का क्वेश्चन, लेकिन ये आज भी है। आपको सही आंसर चूज करना है। यहां पर पांच ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, आपको सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना। चलिए, अफजल अंसारी कैसे हैं आप बताएं, और आंसर दे फटाक से। ओम नमः शिवाय, महादेव भैया महादेव। चलो, और अब इस क्वेश्चन का आंसर दो जो मैंने आपसे पूछा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, शान अब्बास बिल्कुल बढ़िया हूं मैं, आप बताइए बेटा। जो मैंने आपसे पूछा अभी क्वेश्चन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। लोग बोल रहे हैं बी अशोक, अश्विनी, अच्छा कुछ भी। इसका सही आंसर है संजीव सिंह, ऑप्शन नंबर 3 संजीव सिंह लॉक कर दीजिए। संजीव सिंह बिल्कुल सही आंसर है। प्रेम शंकर बिल्कुल सही आपने आंसर दिया, राघवेंद्र राघव बिल्कुल सही। तो क्या है, संजीव सिंह है। हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे यहां पर। चलिए देखिए, एक मूवी थी 17 में जिसने काफी इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं, आपसे उस पर क्वेश्चन बना है। Who is the director of the film A Billion Color Story? फिल्म A Billion Color Story किसने निर्देशित की थी? आपको इसका आंसर देना है। यहां पर पांच ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की बात यहां पर हम कर रहे हैं। एकदम अच्छा त्रिपाठी जी, एकदम अच्छा हूं मैं, एकदम बढ़िया हूं, आप बता कैसे हैं। और क्वेश्चन के आंसर करते रहे फटाफट, देखते हैं कौन इसका आंसर कर पाता है कि नहीं कर पाता, ठीक है। मूवीज पर क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, आपने देखा भी होगा। चलिए, गौरव शर्मा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को नहीं मालूम है शायद। इसका सही आंसर है पद्म कुमार नरसिम्हम मूर्ति, ऑप्शन नंबर 1। इस बुक ने 17 में कई अवार्ड जीते हैं इंटरनेशनल, इसलिए ये क्वेश्चन आप, इस मूवी ने कई अवार्ड जीते हैं इसलिए क्वेश्चन आपके सामने है यहां पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर रहे हैं यहां पर, 34 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ एंड एमडी ऑफ लार्सन एंड टुब्रो? लार्सन एंड टर्बो के सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन 5 आपके सामने है, देखते हैं कौन इसका सही आंसर देता है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं कौन इसका सही आंसर देगा जो यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहां पर। अभी तक आंसर नहीं आए हैं, नहीं आए हैं, बता रहे हैं। और सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एस एन सुब्रमण्यम, याद कर लीजिएगा, एस एन सुब्रमण्यम सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4, या डी आप बोलना सही है, एस एन सुब्रमण्यम याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये सही आंसर है, एस एन सुब्रमण्यम बिल्कुल सही आंसर है। हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करेंगे। एक बैंक पे क्वेश्चन आ रहा है, बड़ा कोई क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन आपके सामने है जो मैंने आपको यहां पर बता दिया। चलिए, Which bank on July 27, 2017 announced to buy FreeCharge? 27 July 2017 को किस बैंक ने FreeCharge को खरीदने की घोषणा कर दी है? FreeCharge आप लोगों ने यूज किया भी होगा फॉर ऑनलाइन पेमेंट, तो किस बैंक ने FreeCharge को एक्वायर किया है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। आप लोगों ने मुझसे बोला था कंपनीज के एमडी और सीईओ पर क्वेश्चन, तो जो रिसेंटली अपॉइंट हुए थे उस पर ही क्वेश्चन हम बनाए हैं यहाँ पर, ठीक है। पीयूष सिंह जरा अपना क्वेश्चन फिर से पूछिए, वरना आप पर वीडियो बन जाएगा अभी। चलिए, और यहां पर लोग बोल रहे हैं SBI, पवित्रा का आंसर बिल्कुल सही आया है, पहला आंसर सही आया है। मनीष कुमार बिल्कुल सही आंसर,
बिल्कुल सही, इसका सही आंसर है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक ने फ्रीचार्ज को एक्वायर कर लिया है, याद करिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। एक्सिस बैंक फ्रीचार्ज आप लोग इसके बारे में जानते ही होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। 36 क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है फटाक से देखिए। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जुलाई 22, 2017। मतलब जुलाई में भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है। हम क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर रहे हैं, सही आंसर क्या होगा? राजदूत पर वीडियो आप बोल रहे हैं यार, राजदूत पर हमने काफी क्वेश्चन कराए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में, कल जो हमारा सेशन होगा उस पर हम ये अंबेसडर को देख लेंगे यहां पर, ठीक है। चलिए, और अभी आपको इसका आंसर देना जो मैंने आपसे पूछा है, ये तो आपको पता होना चाहिए। गौरव नेगी का पहला आंसर आया है सही है, सुमिता मंडल बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने, पिंकू राज बिल्कुल सही, रितेश बिल्कुल सही आंसर। इसका सही आंसर है संजय कोठारी। तो संजय कोठारी को लॉक कर दीजिए जो राष्ट्रपति के सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं, संजय कोठारी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर रहे हैं। 37 क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए देखिए। विच कंट्री विल होस्ट G20 मीट इन 2019? 18 वाला जो है वो अर्जेंटीना में हो चुका, तो G20 का जो सम्मेलन है 2019 में वो कौन सा देश होस्ट करेगा, ये क्वेश्चन आपसे बना है। 18 कहां पे हुआ, अर्जेंटीना में हुआ। 19वां कहां पर होगा, ये क्वेश्चन आपसे बना हुआ है। हेलो सबको हाय। राहुल राजपूत आपका 22 जुलाई को बर्थडे, अच्छा बर्थडे था आपका, तो बर्थडे था, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बेटा आपको। और अब इस क्वेश्चन का आंसर दें, 37 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्या होगा? देव बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, मैं देख लिया आपका आंसर, यहां पर और देख लेते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर है जापान। तो 2019 G20 की मेजबानी करेगा जापान, याद कर लीजिएगा, ठीक है। 18 में कहां पर हुआ, अर्जेंटीना में, यह भी याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 38। Who has been appointed as Managing Director and Chief Executive Officer of National Stock Exchange of India? मतलब भारत के National Stock Exchange के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? शेयर मार्केट आप लोग जानते होंगे, BSE, NSE है ना, तो NSE की बात हो रही है, National Stock Exchange की बात हो रही है। इसके MD और CEO कौन अपॉइंट हुए हैं? हिमांशु पुद्दार, आपका आंसर हमेशा सही ही रहता है एकदर, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर दें, आपने मुझसे बोला था कंपनी के MD CMD, उस पर हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए। चलिए, सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। और गौरव नेगी का आंसर सही आ गया है, तुषार राजपूत बिल्कुल सही आंसर आपने दिया, पवित्रा बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड फैंटास्टिक। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है विक्रम लिमाए लॉक कर दें, जो NSE के क्या बने हैं, MD और CEO बने हैं, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 39 क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया तो मैं आपको मान जाऊंगा। देखो, जिस कंपनी का नाम आपसे पूछा जा रहा है, ये कंपनी क्या करती है, जो IPL में जो भी इवेंट होते हैं उनके लिए कौन कौन काम करेगा उसका निर्धारण करती है, ठीक है। विच कंपनी विल बी सर्विस प्रोवाइडर फॉर IPL फ्रॉम 2018? मतलब IPL 2018 का सेवा प्रदाता कंपनी कौन बन गया है, ये आपको बताना है। आपने शायद नाम नहीं सुना होगा, सही आंसर क्या ये आप बताइए सर। चलिए, और ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है देखते हैं यहां पर, आइए और आंसर करिए फटाक से यहां पर। और अफजल कुशल बोल रहे हैं IMG, क्या IMG सही आंसर है, ये है क्या IMG? तो IMG बिल्कुल सही है, IMG का मतलब हो गया कि ये इंग्लैंड की कंपनी है। जितने भी सर्विसेज हैं IPL में, जैसे मान लो खाने की बात कर लें या हॉस्पिटैलिटी की बात कर लें, सब कुछ IMG मैनेज करेगी। IMG पहले से भी थी और IMG का करार बढ़ाया गया है, IMG याद कर लीजिएगा, IMG तुक्का नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक प्रेसिडेंट्स लेडी? पुस्तक प्रेसिडेंट लेडी के लेखक कौन है, याद रखिएगा, ये सारी बुक्स लास्ट ईयर की हैं हमारी, ठीक है। यहां पर 5 ऑप्शन आपके सामने हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की हम बात कर रहे हैं। छोटा मलिक बोल रहे हैं तुक्का है। आइए और इस क्वेश्चन का आंसर दें, प्रेसिडेंट्स लेडी बुक का नाम। विश्वजीत बिल्कुल सही, इंटरनेशनल मैनेजमेंट ग्रुप IMG, बिल्कुल सही, इंटरनेशनल मैनेजमेंट ग्रुप। और अब इस क्वेश्चन का आंसर दें जो मैंने आपसे पूछा है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक प्रेसिडेंट्स लेडी? और गौरव नेगी का पहला आंसर आ गया है, बिल्कुल सही आंसर बोल रहे हैं। सुप्रिया बिल्कुल सही, देख लिया बेटा यहां पर। अभिषेक गुप्ता बिल्कुल सही, इसका सही आंसर है संगीता घोष। तो संगीता घोष ने यह बुक लिखी है, राइट की है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बुक है ये। आगे बढ़ते हैं,
और बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 41 की, 41 क्वेश्चन। चलिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। एक्सरसाइज मालाबार इज अ ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग विच कंट्रीज, मतलब मालाबार अभ्यास ये तीन देशों की नौसेना करती है आपस में, क्या कौन कौन करते हैं ये आपको बताना है। चलिए, मालाबार पे क्वेश्चन बन चुका है, इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है ये, यानी आज के हमारे सेशन में आपने डिफेंस एक्सरसाइज देखी, ढेर सारी बुक देखी और कुछ कंपनीज के MD CEO की बात हमने की है। बच्चे बोल रहे हैं ब्रांड एम्बेसडर पे, तो नेक्स्ट वीडियोस में हम ऐसे और क्वेश्चन लेकर आएंगे जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके पहले भी। चलिए, और यहां पर गौरव नेगी का फिर से आंसर आया, बोल रहे हैं इंडिया जापान और यूएसए, यूएसए जापान इंडिया, हाँ बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही। तो फोर्थ ऑप्शन यूएसए इंडिया जापान, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है और रेलवे में क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, तो आपको ये सारे क्वेश्चन ध्यान देने भी हैं बेटा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज ऑथर ऑफ द बुक द मेकिंग ऑफ अ लेजेंड, द मेकिंग ऑफ अ लेजेंड किताब के लेखक कौन है ये आपको बताना है। इसके बाद एक बुक के क्वेश्चन और भी है। चलिए, हु इज ऑथर ऑफ द बुक द मेकिंग ऑफ अ लेजेंड, किसने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 42 की बात हम यहां पे कर रहे हैं। गुड, आपको अच्छा है। जर्नल साइंस का वीडियो एक बार हमारा ALP कंप्लीट हो जाए तो फिर हम रेलवे के लिए टारगेट करेंगे कि हम प्रॉपर टॉपिक वाइज वीडियोस आपको देते रहें, करंट अफेयर्स देते रहें आपको, साइंस पर, केमिस्ट्री पर, ज्योग्राफी पर, हिस्ट्री पर, पॉलिटी पर, ठीक है। चलिए, और यहां पर श्रीधर का आंसर आ गया है, बिल्कुल सही आंसर आया है, बिल्कुल सही। उसके बाद भी लोगों ने सही आंसर दिया, प्रेम बिल्कुल सही आंसर, इसका सही आंसर है बिंदेश्वर पाठक, बिंदेश्वर पाठक, क्लैप कर लें, जिनको नहीं पता था बेटा आप इसे याद कर लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं, 43 क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है। देखिए, हु इज ऑथर ऑफ द बुक द फर्स्ट ह्यूमन बॉम्ब, द फर्स्ट ह्यूमन बॉम्ब पुस्तक के लेखक कौन है ये आपसे पूछा गया है। यहां पर पांच ऑप्शन आपके सामने हैं और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी था, क्वेश्चन नंबर 43। गुड आफ्टरनून रंजीत, कहां थे भैया खन्ना साहब, अभी आ रहे हो। चलो, क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर रहे हैं। सौम्या चौधरी, अभी YouTube पर जो बच्चे सुन ले, बच्चे सुन ले, एक अनाउंसमेंट मैं कर दे रहा हूं आपके लिए। देखिए, टेक्स्टबुक ने YouTube चैनल जो है हमारा है, इस पर एक चीज की है कि जो SSC वाले बच्चे हैं वो सुबह 8 बजे से लेकर 12 या 1 बजे तक हम केवल SSC क्लास चलाएंगे, उसमें बैंक, उसमें SSC की मैथ, रीजनिंग, GS सब कुछ शामिल होगा, और 1:30 बजे से फिर बैंकिंग वाले बच्चों की क्लास चलेगी, जहां पे करंट अफेयर्स भी हो, मतलब 1:30 बजे बैंकिंग अवेयरनेस भी होगा, उसके बाद शिवम सर लेंगे क्लास मैथ की, उसके बाद सचिन सर हैं, उसके बाद आपके पास श्याम सर हैं। तो मतलब हम इस तरह कर रहे हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट SSC के लिए और इवनिंग शिफ्ट बैंक के लिए, मॉर्निंग में जो SSC वाले हैं वो रेलवे वेलवे सब कवर कर सकते हैं वहां से, ठीक है। चलिए, और आगे यहां पर बात करते हैं, यहां पर आंसर आने शुरू हो गए हैं दीदी लोगों ने, इसका सही आंसर है पी चंद्रशेखर, याद कर लीजिएगा। तो याद कर लीजिए हमारा शेड्यूल क्या होने वाला है, मॉर्निंग में हम बात करेंगे SSC की और इवनिंग में बात करेंगे बैंकिंग की, और जो बच्चे रेलवे के हैं या जो बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या फिर MTH की या फिर लोअर LDC की, तो उन सब का ये कवर SSC में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम करेंगे, अभी शेड्यूल फाइनल नहीं हुआ है लेकिन आपको मालूम चल जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। चलिए, तो हाँ, ब्रांड एम्बेसडर पर वीडियो, ब्रांड एम्बेसडर पर बहुत सारे क्वेश्चन हम करें हैं, तो ब्रांड एम्बेसडर, एम्बेसडर बुक्स, मतलब जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं सारे सेशन में आपको ये मिलते रहेंगे गाइस, ठीक है। तो अगर आपको हमारा ये अच्छा लगा शो तो लाइक कर दें इसे और शेयर करते रहें, साथ हमारा हमेशा बनाए रखें, बिकॉज आपके लिए हमने ये नई चीज शुरू की है और हम कुछ परफेक्ट करना चाहते हैं, तो हमेशा अच्छा ही करेंगे आपके लिए गाइस, ठीक है। तो हमेशा गिव अप मत करिए, हमेशा लड़ते रहिए, सिलेक्शन लेना है आपको, हमेशा जिद है तो जिद है जी, है ना, और आई कैन, आई विल, आई मस्ट, आई एम वॉट आई एम, भूलना मत कभी सब चीजें। ये अपने आप को एनर्जी प्रोवाइड करता है, शक्ति देता है कि हाँ हमें करना है विपरीत परिस्थितियों में भी। तो गाइज मिलते हैं 7:30 पे करंट अफेयर शो के लिए, करंट अफेयर्स में आना भूलिएगा नहीं, बिकॉज आगे के एग्जाम के लिए भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होता है। जिन बच्चों का एग्जाम है कल, सबको बेस्ट ऑफ लक, जिनका आज हुआ तो वो आप मुझे बताएं, कि बहुत सारे बच्चों ने मुझे क्वेश्चन भेजे और अपने बताया कि क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आए और क्या उनका स्कोर रहा है, ठीक है, हम प्रॉपर बात करते रहते हैं। तो गाइज मिलते हैं 7:30 पे करंट अफेयर्स के लिए, और धमाल मचाइए, खूब पढ़िए, थैंक यू।